वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू डीजे डीकोड्स, आपका ट्यूशन वाला भैया। नमस्कार, आज का टॉपिक है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग फोरकास्टिंग मेथड। हम लोग ने अपने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था, मूविंग एवरेज फोरकास्टिंग मेथड देखा था। अभी दोस्तों एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग क्या है, तो जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया है कि फोरकास्टिंग मेथड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, एक है क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड, एक है क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड। क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है कि टाइम सीरीज मेथड, एक हो सकता है कॉजल मेथड। सो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड एक तरह का टाइम सीरीज या क्वांटिटेटिव टाइम सीरीज मेथड है, ठीक है। अभी इसमें क्या करते हैं, जब हम लोग प्रेजेंट और पास्ट का डेटा लेके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं या फ्यूचर एस्टिमेशन करते हैं, वो पास्ट डेटा में अगर कोई पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं मिल रहा है या उस डेटा में कोई सीजनलिटी नहीं है, सो इन दैट केस हम लोग एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक तरह का वेटेड मूविंग एवरेज है दोस्तों। सो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या होता है और कैसे करके हम लोग करते हैं। अभी दोस्तों बोर्ड पे ध्यान दीजिए, फॉर्मूला क्या बोल रहा है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग का, एफ टी प्लस वन इक्वल्स टू अल्फा ए टी प्लस वन माइनस अल्फा एफ टी। अल्फा क्या है दोस्तों, अल्फा इज द स्मूथिंग कॉन्स्टेंट और वन माइनस अल्फा को आप डैम्पिंग कॉन्स्टेंट भी बोल सकते हैं। ये अल्फा जो वैल्यू है इट शुड लाई बिटवीन जीरो एंड वन, ये बेसिकली वेट्स है दोस्तों, ये वो वेट्स है जो असाइन होता है पास डेटा के ऊपर। मतलब जितना करेंट डेटा रहेगा उसका वेट ज्यादा रहेगा और डेटा जितना पुराना होता जाएगा उसका वेट्स इवेंचुअली डिक्रीज करेगा। सो यही तो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग का फंडा है कि डेटा जितना पुराना होता जाएगा उसका वेट्स एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करते जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग को क्या करना है, फोरकास्ट निकालना है, उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, एटी क्या है, एटी है द करेंट पीरियड का एक्चुअल डिमांड आप बोल सकते हैं, और एफ टी क्या है, करेंट पीरियड या लेटेस्ट पीरियड का फोरकास्टेड डिमांड बोल सकते हैं। सो हम लोग को अगला पीरियड का डिमांड निकालना है, अगला पीरियड का फोरकास्ट निकालना है यूजिंग द करेंट पीरियड। सो इन जिस्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं, द एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड इज बेसिकली द वेटेड एवरेज ऑफ द पास्ट डिमांड, और ये वेटेड एवरेज या ये वेटेज डिक्रीज करता है एक्सपोनेंशियली, ठीक है। तो चलिए सीधा बोर्ड पे ध्यान दीजिए और हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं यूजिंग एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड। दोस्तों ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम को देखिए, यहाँ 2001 से लेके 2006 तक हर एक ईयर का सेल्स वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। मतलब ये 6 पीरियड का सेल्स वैल्यू आप लोग को दिया है और आप लोग को बोला है कि आप अगला पीरियड मतलब 2007 साल के लिए फोरकास्ट कीजिए, ठीक है। सो क्या होगा दोस्तों, ये हम लोग करेंगे यूजिंग एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड। सो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड का फॉर्मूला तो हम लोग को पता है, ये वाला जो हम लोग ने डिस्कस किया है। कुछ प्रॉब्लम में दोस्तों अल्फा वैल्यू दिया रहेगा, कुछ प्रॉब्लम में दिया नहीं रहेगा, ठीक है। सो इस प्रॉब्लम में अल्फा वैल्यू दिया हुआ है, इट इज 0.2, मतलब स्मूथिंग कॉन्स्टेंट इज 0.2। सो 1 माइनस अल्फा क्या होगा, 1 माइनस 0.2 दैट इज 0.8। अगर दोस्तों कोई प्रॉब्लम में आपको अल्फा वैल्यू दिया नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे, अल्फा इज 2 बाई के प्लस 1, जितना पीरियड के लिए आप मूविंग एवरेज कर रहे हैं ना वो है के। सो के प्लस 1, अगर आप 6 पीरियड के लिए मूविंग एवरेज कर रहे हैं तो 2 डिवाइड बाई 6 प्लस 1 होगा, सो 2 बाई 7 हो जाएगा, सो दैट मीन्स इट विल बी 0.22। सो ऐसे करके आप अल्फा वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग का इस प्रॉब्लम में तो ये अल्फा वैल्यू या ये वेट तो दिया हुआ है, सो हम लोग ये अल्फा वैल्यू लेके अपना सम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों चलिए सीधे सम पे चले जाते हैं। अभी दोस्तों हम लोग को 2007 के लिए फोरकास्ट निकालना पड़ेगा, सो हम लोग ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज करके अपना फोरकास्टिंग करेंगे, ठीक है। मतलब हम लोग को F7 चाहिए, सो F7 करने के लिए हम लोग का फॉर्मूला कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो वैल्यू है, जो वेरिएशंस है,
वो एवरेज आउट करना मतलब स्मूदन करना, इसके लिए हम लोग ये मूविंग एवरेज करके अपना वैल्यू को स्मूदन करेंगे, ठीक है। तो चलिए सीधे बोर्ड पर ध्यान रखिए। तो ये क्या है दोस्तों, ये सब बेसिकली एक्चुअल सेल्स है, आपको एक्चुअल डिमांड भी दिया जा सकता है इस जगह में। सो A1, A2, A3 ये सब अलग अलग पीरियड का सेल्स वैल्यू है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे आगे हम लोग फोरकास्टेड वैल्यू निकालना पड़ेगा हम लोग को। ये फोरकास्टेड वैल्यू क्या होगा पहला ईयर के लिए? दोस्तों पहला ईयर के लिए कोई फोरकास्टिंग वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया रह सकता है, ठीक है। अगर नहीं दिया हुआ है तो क्या कर सकते हैं आप, इन सब का टोटल करके उसका एवरेज कीजिए, मतलब 9+10+8+7+12+13 / 6 कीजिए, जो वैल्यू आएगा वो एवरेज वैल्यू ही आप फर्स्ट ईयर का फोरकास्ट वैल्यू ले सकते हैं। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आप क्या कीजिए, ये जो एक्चुअल सेल्स है ना, ये एक्चुअल सेल्स को ही आप फर्स्ट ईयर का फोरकास्टेड वैल्यू ले लीजिए। तो अगर अल्फा वैल्यू 1 होता है तो क्या होगा, अल्फा वैल्यू अगर 1 होता है तो बेसिकली FT+1=80 हो जाएगा। सो यही हम लोग ने लिख दिया, ठीक है। अभी दोस्तों दूसरा पीरियड के लिए फोरकास्ट करेंगे, दैट इज 2002 के लिए फोरकास्ट करेंगे। ये कौन सा है, सेकेंड पीरियड है। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम लोग का क्या होगा, ये होगा F2 के लिए हम लोग को फोरकास्ट निकालना पड़ रहा है। सो इन दैट केस वी विल बी रिक्वायरिंग A1 दैट इज दिस वन एंड F1 विच इज दिस वन। सो ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग इजीली अपना F2 निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। सो F2 क्या होगा दोस्तों, अल्फा वैल्यू हम लोग को दिया है 0.2 इंटू A1 क्या है 9 प्लस 1 - α इज 0.8 इंटू F1 इज 9। सो 0.2 इंटू 9 प्लस 0.8 इंटू 9, ये आप लोग का क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आपका बेसिकली 9 ही आ जाएगा। सो फोरकास्टेड वैल्यू फॉर सेकेंड पीरियड इज 9, सो हम लोग ने 9 बिठा दिया। अभी क्या करेंगे, हम लोग फोरकास्ट करेंगे पीरियड 3 के लिए। सो अगर पीरियड 3 के लिए फोरकास्ट करना है, सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F3=α A2+1 - α × F2। हम लोग के पास तो A2 भी है और F2 भी है, सो हम लोग यूज करेंगे सेम फॉर्मूला, दैट इज 0.2 × 10+0.8 × 9, ठीक है, यही होगा ना दोस्तों। सो हम लोग का क्या वैल्यू आ जाएगा, हम लोग का वैल्यू आ जाएगा 9.2, हम लोग ने 9.2 लिख दिया। सिमिलरली हम लोग 2004 मतलब फोर्थ पीरियड के लिए फोरकास्टिंग करेंगे, क्या होगा 0.2 × 8+0.8 × 9.2, ठीक है, यही होगा ना दोस्तों, ये हो जा रहा है आपका 8.96। सिमिलरली हम लोग फिफ्थ पीरियड के लिए करेंगे, उसके लिए क्या होगा दोस्तों 0.2 × 7+0.8 × 8.96, मतलब 8.57 आ जाएगा, उसको हम लोग लिख देते हैं 8.57 इधर। अभी सिक्स पीरियड के लिए फोरकास्टिंग करेंगे, मतलब F6 को निकालेंगे, उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, A5 चाहिए और F5 चाहिए, वो तो हम लोग के पास है, ठीक है। सो 0.2 × 12+0.8 × 8.57 दैट इज 9.26। सो 9.26 हम लोग को मिल गया। अभी दोस्तों हम लोग को 2007 के लिए करना है, ठीक है। 2007 के लिए करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब F7 का फोरकास्ट निकालना है। सो F7 का फोरकास्ट हम लोग निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होगा, α A6+1 - α F6। A6 और F6 क्या है, 13 और 9.26। सो आपका फॉर्मूला होगा 0.2 × 13+9.26 × 0.8, जो वैल्यू आएगा वही आपका फोरकास्ट होगा। सो ये आ रहा है आपका 10.01। सो यू आर गेटिंग योर फोरकास्ट एज 10.01। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं 10.01 2007 का फोरकास्ट। सो फोरकास्टेड वैल्यू हम लोग को मिल गया। दोस्तों ये मूविंग एवरेज करने का फंडा वही था जो हम लोग ने डिस्कस किया, एवरेज करने से जो वेरिएशंस है ना वो स्मूथ हो जाता है, यही तो है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग का कमाल, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग एरर निकालेंगे, ये वाला वैल्यू साफ करके लिख देते हैं और हम लोग अभी एरर निकालेंगे, क्या क्या तरह का एरर होता है ये हम लोग ने देखा है। अगर हम लोग फोरकास्ट कर रहे हैं तो द ऑब्जेक्टिव इज टू फोरकास्ट एक्यूरेटली, अब ये देखना है कि एक्यूरेट फोरकास्ट हुआ कि नहीं, इसके लिए हम लोग को एरर देखना है। सो चलिए अभी एरर देखते हैं।
तो दोस्तों हम लोग ने फोरकास्टेड वैल्यू लिख लिया है यूजिंग एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग फॉर्मूला। अभी हम लोग को एरर निकालना है ये देखने के लिए कि अपना फोरकास्ट कितना एक्यूरेट हुआ है। सो एरर निकालना है ईटी। ईटी क्या है बेसिकली, जैसे हम लोग ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ईटी इज एटी माइनस एफटी, मतलब जो एक्चुअल डिमांड है माइनस द फोरकास्टेड वैल्यू। सो 9 माइनस 9 इज 0, 10 माइनस 9 इज 1, 8 माइनस 9.2 इज माइनस 1.2, दोस्तों साइन का ध्यान रखिएगा। 7 माइनस 8.96 इज माइनस 1.96, 12 माइनस 8.57 दैट इज 3.43, 13 माइनस 9.26 दैट इज 3.74। ये हम लोग ने निकाल लिया एरर अपना वैल्यू। अभी दोस्तों ये एरर वैल्यू सबको टोटल कर दीजिए। तो दोस्तों जो जो एरर वैल्यू आया था उसको टोटल करके हम लोग लिख के रखते हैं। सो टोटल क्या होगा दोस्तों इसका, 5.01 इसका टोटल आ रहा है। अभी हम लोग एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। एब्सोल्यूट एरर मतलब अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो वो एज इट इज रहेगा, अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू को लेंगे, साइन को हम लोग तवज्जो नहीं देंगे। सो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 0 ही है, इसका 1 है, ये माइनस 1.2 1.2 हो जाएगा, ये माइनस 1.96 1.96 हो जाएगा, माइनस 1.96 एब्सोल्यूट वैल्यू इज 1.96, ये दोनों एज इट इज रहेगा। सो हम लोग ने एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लिया है। सो इसको भी चलिए टोटल कर देते हैं, 11.33 आता है, ठीक है। अभी दोस्तों चलिए जो एरर वैल्यू आया है उसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है। सो स्क्वायर करते हैं, क्या स्क्वायर मतलब 0 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 1 इज 1, माइनस 1.2 का होल स्क्वायर करना है मतलब 1.44 हो जाएगा, माइनस 1.96 का होल स्क्वायर करना है मतलब माइनस 1.96 इंटू माइनस 1.96 दैट इज 3.84। ऐसे करके हम लोग 3.43 का भी होल स्क्वायर करेंगे और 3.74 का भी होल स्क्वायर करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। ये आता है 11.76 और ये आता है आपका 13.99। इसको भी हम लोग टोटल कर देते हैं, टोटल करके आपका आ रहा है 32.03। अभी दोस्तों एरर, जैसे कि हम लोग ने अपना प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, एरर क्या क्या तरह का हो सकता है। मीन एब्सोल्यूट डेविएशन एरर हो सकता है। सो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन क्या है, सबसे आगे मीन एब्सोल्यूट डेविएशन निकालेंगे। सो व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन इज द एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट एरर। जो जो एब्सोल्यूट एरर आया था सबको हम लोग ऐड किए, ऐड करके डिवाइड बाय 6 करेंगे क्योंकि 6 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6। सो 11.33 डिवाइड बाय 6 दैट इज 0.22। सो आपका मीन एब्सोल्यूट डेविएशन आ गया 0.22, ठीक है। आपका एरर कितना आया था, 5.01। ये दोस्तों ये 5.01 जो आया था इसको हम लोग बायस भी बोल सकते हैं। सो हम लोग बायस भी है 5.01 का, ठीक है दोस्तों। सो हम लोग को मीन एब्सोल्यूट डेविएशन मिल गया और बायस भी मिल गया। अभी क्या निकालेंगे, अभी मीन स्क्वायर्ड एरर निकालेंगे। मीन स्क्वायर्ड एरर क्या है, मतलब दोस्तों आप वर्ड में ही देखिए, मीन स्क्वायर्ड एरर जो स्क्वायर्ड आपने वैल्यू निकाला है ना वो सबको एवरेज कर दीजिए, मतलब मीन कर दीजिए उसका। सो आपका जो एरर स्क्वायर आ किया था आपने वो सब टोटल करके कितना आया था, 32.03। सो 32.03 को अगर आप मीन करेंगे तो क्या आएगा, 5.34। सो मीन स्क्वायर्ड एरर इज 5.34, मतलब 32.03 डिवाइड बाय 6। सो आपको मीन एब्सोल्यूट डेविएशन मिल गया, मीन स्क्वायर्ड एरर मिल गया और बायस भी मिल गया। चलिए अभी मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर भी निकाल लेते हैं। वो कैसे निकाल पाते हैं, मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर दोस्तों क्या है, आपका जो एक्चुअल वैल्यू माइनस फोरकास्टेड वैल्यू डिवाइड बाई एक्चुअल वैल्यू है, इसका आप एब्सोल्यूट निकालिए और इंटू 100 कीजिए। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपको निकालना है ये वाला। सो कोई भी एक का ले लीजिए, फॉर एग्जांपल अगर हम थर्ड पीरियड के लिए निकालते हैं, सो 80 माइनस एफटी क्या है, माइनस 1.2 डिवाइड बाई 80 क्या है, 8। सो 1.2 डिवाइड बाई 8 करना है
1.2 डिवाइड बाय 8 इज 0.15, ये तो माइनस में आ रहा है लेकिन हम लोग को एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है ना, सो 0.15 इंटू 100 दैट इज 15%। तो दोस्तों ऐसे करके हम लोग हर एक पीरियड के लिए मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर निकालेंगे और सबको एवरेज कर देंगे, मतलब जो जो परसेंटेज निकला उस सबको ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 6 कर देंगे, जो आंसर आया है वही आपका मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर है। सो दोस्तों आपने मीन एब्सोल्यूट डिविएशन से भी एरर निकाला है, मीन स्क्वायर्ड एरर से भी एरर निकाला है और मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर से भी एरर निकाला है, ये तीनों अलग अलग वैल्यू दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों वैल्यूज अलग अलग दे रहे हैं लेकिन प्रोसेस यही है, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है आपका फोरकास्ट एक्यूरेसी को मेजर करना। तो दोस्तों मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि कैसे आप फोरकास्टिंग कर पाएंगे यूजिंग एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड क्या होता है वो भी आपने जान लिया है, और एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड से फोरकास्टिंग निकालने के बाद एरर हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, फोरकास्ट एक्यूरेसी कैसे निकाल पाएंगे वो भी आपने सीख लिया है। सो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ शेयर माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, मुझे सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही। और फोरकास्टिंग का बाकी वीडियोस भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग वो वीडियोस भी ज़रूर देखिए तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा फोरकास्टिंग के ऊपर। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।